हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एमबीए मैथमेटिकल सोसाइटी सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर वन के सेकंड पार्ट के वाले से आप देख सकते हैं एक्सरसाइज हमारे पास फोर पॉइंट टू है और फोर पॉइंट टू में क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड पार्ट ये है कि इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू फाइव एंड ए माइनस बी इज द रेडिकल साइन सेवनटीन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी आपके क्वेश्चन के मुताबिक ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो फाइव है और ए माइनस बी जो है वो अंडर रूट सेवनटीन के इक्वल है और हमें फ़ाइंड करनी है ए बी की वैल्यू तो चलते हैं जी क्वेश्चन को सिम्प्लीफाई करते हैं आपने सिम्प्लीफिकेशन में जो चीज़ें गिवन हैं पहले वो मैनेज करनी है जिसमें ए प्लस बी जो है वो फ़ाइव के इक्वल है एंड ए माइनस बी जो है वो अंडर रूट सेवनटीन के इक्वल है अब हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो देखिएगा टू फाइंड में आप लिखेंगे ए बी ए बी को हम फाइंड करने वाले हैं कैलकुलेशन में आप यहाँ पर लिखेंगे एज वी नो डैट एक आइडेंटिटी है जिसके बारे में आप जानते हैं कि ए प्लस बी होल स्केयर माइनस ए माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू फोर ए बी तो ये आपको चैप्टर नंबर फोर में एक आइडेंटिटी देखने को मिलेगी जिसमें ए प्लस बी होल स्केयर माइनस ए माइनस बी होल स्केयर इज ईक्ल टू फोर ए बी होता है तो हम यहाँ पर ए प्लस बी की जगह पे फाइव रिप्लेस करेंगे और ए माइनस बी की जगह पे अंडर रूट सेवनटीन रिप्लेस करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज तो ए प्लस बी की जगह पे आ जाएगा फाइव और ए माइनस बी की जगह अंडरवुट सेवनटीन अब ये जो अंडरवुड सेवनटीन है ना इसका स्केयर इस से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा सो so यहाँ पे आफ्टर कैंसिलेशन सेवनटीन बचेगा और फाइव का स्केयर होता है ट्वेंटी फाइव आप देख सकते हैं जो ऊपर वाली स्टेटमेंट थी आ, उसके आ, जो रिजल्ट में आपके पास नीचे वाली स्टेटमेंट देखने को मिल रही है इसमें फ़ाइव स्केयर जो है वो ट्वेंटी फाइव के इक्वल होगा और आफ्टर कैंसिलेशन के रूट को आपने स्केयर से जब कैंसिल किया तो यहाँ से सेवनटीन आएगा अब ट्वेंटी फाइव में से जब सेवनटीन को आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो एक नंबर आएगा वो एट होगा तो एट इज़ इक्वल टू फोर ए बी आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि फ़ोर ए बी इज़ इक्वल टू एट अब चूंकि मुझे ए बी की फाइंड करनी है तो डिवाइडिंग बाय फोर ऑन बोथ साइड्स आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी फोर से डिवाइड कर दिया अब ये फोर फोर से क्या हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिएगा एट डिवाइडेड बाय फोर जो है वो टू के इक्वल होता है तो यहाँ से ए बी की जो वैल्यू आई वो टू आ गई और ये ही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये इसका आंसर है द वैल्यू ऑफ ए बी इज़ टू आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है अपने दोस्तों तक शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी दावत दें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट टू को सॉल्व करेंगे आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल अशरफ अस्सलाम वालेकुम